नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम अतिक्रमण शाखा का छज्जा गिरा, कंप्यूटर सहित अन्य सामान हुआ क्षतिग्रस्त। रात के समय हुई दुर्घटना, दूसरे भवन में शिफ्ट कराया गया कार्यालय। माणोताल के चाटी गांव में विस्थापित किए गए परिवारों ने जनसुनवाई में सुनाई अपनी व्यथा। बारिश के दौरान घरों में पानी भर जाने से परेशान है विस्थापित परिवार। कलेक्टर से मूलभूत सुविधाओं की मांग। और विदिशा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही बेटी से मिलने जा रहे थे माता पिता, सवारी ऑटो पलटने से मां की हुई मौत। गोराबाजार 2 TTR के पास हुआ हादसा, गोराबाजार थाना पुलिस ने हादसे की शुरू की जांच। माड़ोताल क्षेत्र से चाटी पर्यट में विस्थापित किए गए लोगों ने कलेक्ट्रेट के जनता दरबार में अपनी परेशानियां बयां की। उन्होंने बताया कि बारिश का पानी उनके घरों में भर गया है और सभी विस्थापित मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां भी फैल रही हैं। कलेक्टर ने पीड़ितों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में माड़ोताल से विस्थापित किए गए लोगों ने पहुंचकर कलेक्टर से अपनी परेशानी बताई। विस्थापितों का कहना है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, इसके अलावा बरसात का पूरा पानी लोगों के घरों में भर जाता है, जिसके कारण सभी को बेहद दिक्कत हो रही है। सुविधाओं के अभाव में उनका जीना दुभर हो रहा है, बच्चे हलाकान हैं और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। 29/4 को भोला नगर जबलपुर माड़ोताल से हटाया, चांटी मोजा भेजा गया हम लोगों का 150 परिवार को, जो नदी के किनारे हैं। नदी का पानी भर गया हम लोगों को, राशन पानी परिगट नदी, ग्राम चांटी पनागर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ दिया ही है प्लाट पूरी जनता को। पानी भर गया हम उनकी झुग्गी झोपड़ी सब, दाना पानी सब भींज गया। दूसरी जगह प्लाट दिए जहाँ हम डूब क्षेत्र में नहीं रहना। 150 परिवार के लोग हैं, 150 परिवार में करीब 700-800 लोग जनसंख्या के लोग हैं। ग्राम अंधुआ निवासी हीरालाल साहू ने भी पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित समस्याएं बताई। मैं ग्राम अंधुआ से आया हूं, मेरा जमीनी पारिवारिक विवाद सिविल न्यायालय में चल रहा है। हाई कोर्ट से ऑलरेडी स्टे है जमीन पे, और इसके पहले जब तहसीलदार थे तो इनने खुद एक केस खारिज किया है हाई कोर्ट के स्टे देखते हुए, मगर अब ये मान नहीं रहे हैं, ब्रोकरों से मिलके सीमांकन करना चाह रहे हैं। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि भैया हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उसको देखते हुए कार्रवाई करें। सिंगलदीप के आदिवासी परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। सर, मैं पट्टे के लिए था, रिक्त भूमि पर शासन बोल रही है कि मुझे रिक्त भूमि पर पट्टे दिए जाएंगे गरीब लोगों को रहने के लिए। मेरे पास ना रहने के लिए जगह है और पानी इतना गिर रहा है मेरे गांव पर, और बाढ़ भी आई हुई थी अभी तक सिंगलदीप में, और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है रहने के लिए। मैंने कम से कम 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं तहसील के 100 चक्कर लगा चुका हूँ, और साथ साथ कलेक्टर ऑफिस में भी 4-5 चक्कर लगा चुका हूँ। इसके पहले मैंने ये आवेदन भी दिया था, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आवेदन भी दिए हैं, और इसमें 40 परिवार कम से कम ऐसे हैं आदिवासी समाज के हैं, 80% लोग आदिवासी समाज के हैं, बाकी OBC समाज के भी हैं, जिसके पास रहने के लिए जगह है ही नहीं है। आप सर्वे करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन रहने के लिए जगह दे दीजिए, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है किसी के पास वहाँ पर। इसके लिए आप आए हैं? हाँ, इसके लिए मैं कलेक्टर ऑफिस यहाँ फिर से आया हूँ, और कलेक्टर साहब ने बोला है कि स्टे लगा कहीं, लगा कहीं वो लगा है। इसके पहले मैं आवेदन दिया था 18 तारीख को, ये तारीख दिखा रहा हूँ 18 है ना, इसके पहले दिया था, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तहसीलदार से बात करके करवाता हूँ, और आज फिर ये निकाल के दे दिया है, ये ऑनलाइन निकाल के दे दिया है, और इसमें कुछ हो नहीं रहा है। परेशान हो रहा है? बहुत परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान। ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने से परेशान एक सेवानिवृत्त लेक्चरर ने कलेक्टर से शिकायत की है। मैं हितकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता था, और मैंने वहाँ 9 साल से ज़्यादा नौकरी की, तो नियम के तहत ये होता है कि कोई भी यदि कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल से ज़्यादा काम करता है तो उसको संस्था छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी की राशि मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे अप्लाई करने के बाद भी राशि नहीं दी, तो जिसके लिए मैंने इसमें संबंधित अधिकारी को निवेदन दिया, तो वहाँ से ऑर्डर होने के बाद भी, जनवरी में ऑर्डर हो गया था, और ऑर्डर होने के बाद भी कॉलेज वाले मुझे ग्रेजुएटी की राशि नहीं दे रहे हैं, तो इस संबंध में आज मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आया, और जनसुनवाई में मैंने आवेदन प्रस्तुत किया है कि मुझे ग्रेजुएटी की राशि दिलवाई जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, संपत्ति विवाद समेत अन्य शिकायत लेकर आवेदक पहुंचे और उनका निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकांश जो आवेदन हैं वो या तो भूमि विवाद संबंधी हैं या अतिक्रमण संबंधी हैं, उनमें उनको संबंधित विभागों को या संबंधित अधिकारियों को मार्क कर दिया गया है,
इसकी हम लोग ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं और समय सीमा में उसका निराकरण किया जाता है। भविष्य में यदि आवेदक पुनः अपनी जो उनको हम लोग आवेदन की रसीद देते हैं वो लेके आते हैं तो हम उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रैक कर पाते हैं कि उनके पुराने आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई है। यदि कार्रवाई नहीं पाई जाती है ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी से दूरभाष से चर्चा करके उनसे उस आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आज की स्थिति में लगभग 150 आवेदन आज प्राप्त हुए हैं और पुराने आवेदनों के लिए भी जो लोग आए हैं उनकी ट्रैकिंग करके हम लोगों ने उनके आवेदनों की स्थिति भी उनको बताई है। जनसुनवाई में 150 से ज्यादा आवेदन आए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में इस मंगलवार को 80 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों ने आपसी विवादों, मारपीट, संपत्ति विवाद, रुपयों के लेन देन के विवाद जैसे मामलों की शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायतों के निराकरण करने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना। जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदक बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने शिकायतें दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। जनता दरबार में मारपीट, संपत्ति विवाद, घरेलू विवाद, साइबर क्राइम, चेक बाउंस और अन्य शिकायतें लेकर फरियादी पुलिस अधिकारियों से मिले और शिकायतों के निराकरण की मांग अधिकारियों से की। ग्राम पिंडई बारह तहसील जिला जबलपुर थाना बरेला के अंतर्गत निवास करता हूं। मैंने दिसंबर 2021 में सतीश अवस्थी ग्राम सगड़ा झपनी तहसील जिला जबलपुर वालों ने मुझसे 70 कुंटल धान खरीदी थी जिसके 1,25,000 रुपये में। उसी समय उन्होंने मुझे यूको बैंक नर्रई का चेक दिया जो चेक 24/12/2021 को बाउंस हो गया। उसके उपरांत में उनसे कई बार पैसा लेने गया मगर वो पैसा नहीं दे रहा है मेरा। अब चेक की भी डेट निकल गई तो बाउंस लगाएं। उसी बाबत में यहाँ पहले से पहले 6 जून 2023 को भी शिकायत की थी तो चौकी गौर चौकी में मुझसे बयान ले लिया गया। अब उसके उपरांत उनसे कार्रवाई की नहीं की इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। फिर उसी लिए मैं दोबारा फिर यहाँ आया हूँ उसी पैसे के लिए भटक रहा हूँ। सर मेरा पैसा दिला दो, पैसा दिला दो जी। मैं यहाँ एक बार और आ चुकी हूँ। 8 दिन पहले साहब को मैंने आवेदन दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पति के ऊपर गोली चलाई है राजा और जितेंद्र राम प्रताप इन सब लोगों ने मिलके और मैं थाने थाने भटक रही हूँ। मैं गर्भवती हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी लोकेशन की बात करती है पुलिस की, लोकेशन नहीं है। राजा बहुत बड़ा गुंडा मर्डरी है लेकिन उसको पुलिस पूरा साथ दे रही है। मुझे शक है कि कहीं पुलिस ने पैसा खाया है इस कारण से उसको पकड़ा नहीं जा रहा। खुलेआम घूम रहा है वो मुजरिम। किस वजह से गोली मारी थी क्या? वो कुछ नहीं, वो जा रहे थे चेक करके उन लोगों ने गोली मारी है। कहाँ की घटना? ये पिपरिया और कटीला के बीच की बात है। मेरा ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा था। मैं ठेकेदार के यहाँ पैसा लेने गया, बुलाया था तो इतवार को 6 तारीख को, तो शाम को 7:30 बजे उसने मेरे साथ मारपीट किया है सर। मेरे यहाँ चोट आई, कंधे में, सीने में चोट आई, सिर में आई और हाथ में आई सर। और सर उसने जो है, मैं यहाँ ओमती थाने में शिकायत की रिपोर्ट लिखाने गया तो उनने मुलाजा तो करवाया हमारा। मुलाजे में डॉक्टर ने हमें जो है तो एक्सरे के लिए और सीटी स्कैन के लिए लिखा तो उनने बोला कल आना। तो फिर इसके बाद फिर हमको उस एक नंबर से कॉल आया, बोले मैं TI बोल रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट करो, रिपोर्ट कटवा दो, नहीं तो आपके ऊपर जो है हम आपको जान से मरवा देंगे और आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। मेरे को उल्टी सीधी बोले तो मैंने बोला ठीक है, मैं CM हेल्पलाइन में और SP ऑफिस में जाकर शिकायत करता हूं कि ऐसी ऐसी हमको धमकी दे रहे हैं। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा, एडिशनल SP सोनाली दुबे सहित CSP स्तर के अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और आवेदकों को शिकायतों के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। आज जन सुनवाई में अभी तक 70 शिकायतें आ गई है जिसमें जमीन संबंधी, साइबर फ्रॉड संबंधी, पति पत्नी के विवाद संबंधी, सास बहू के विवाद संबंधी और मारपीट संबंधी शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतें संबंधित थाना प्रभारियों को और संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को दी गई है और चूंकि जन सुनवाई की शिकायत है तो जल्द ही निराकरण कर सभी फरियादियों को न्याय दिलाए जाने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं, उन्हें जल्दी न्याय दिलाया जाएगा। जनता दरबार में 80 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के दरवाजे पर दम तोड़ रही है। हितग्राहियों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 72 के प्रभात नगर से आए 80 गरीब परिवारों ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि किस्तें नहीं मिल रही हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है।
नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सप्ताह कुल 35 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। वार्ड क्रमांक 72 के प्रभात नगर से आए गरीब परिवारों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तें प्राप्त नहीं हो रही हैं और करीब 80 परिवार परेशान हैं, जिन्हें पक्की छत तक नसीब नहीं हो रही है। सर जी, मैं प्रभात नगर से आया, वार्ड नंबर 72 से। 2017 में किस्त डाली प्रधानमंत्री आवास योजना की, 4 किस्त भर मिली हैं और वहाँ पे कम से कम अभी 70-80 लोगों को किस्तें बाकी हैं, 5वीं किस्त नहीं आ रही है। जनता बहुत परेशान है, 50 चक्कर लगा चुके नगर निगम के। बारिश के समय में हम आधी छत में रह रहे सर जी, और पूरा पानी भर रहा, परेशान है बच्चे। अच्छे से लगे कम 2017 से लेकर 2023 लग गया, बहुत परेशान चल रहे हैं। नगर निगम के 50 चक्कर लगा चुके, अभी तक पूरे पैसा नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसी प्रकार रांची से आए बलिराम ने अतिक्रमण की, एवं चांदमारी लालमाटी से आए प्यारे लाल और कृपाल चौक से आए आरपी वाजपेयी ने सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही की शिकायत की। घर के पीछे 2.5 फीट जमीन लिखा पढ़ी के साथ छूटी रही निस्तार के लिए साहब जी, तो जो अभी कलीराम ठाकुर ने उसको 2.5 फीट छोड़ के उसका एक दरवाजा लगा रहा, जिसमें से वो 2.5 फीट ने छोड़ के मेरी दीवार से सट के उसने गेट लगा लिया है, और मेरी 3 इंच और दीवार जो है तो खोद करके दरवाज़ा लगा, जिसमें आने जाने की बहुत समस्या है। वहाँ मेरा पाइप दिया था, पाइप फोड़ फोड़ डाले हैं साहब जी, तो मेरे को मेरे घर के अंदर पानी घुसता है साहब जी, तो बीमारी का बहुत डर है। कृपया हमारे जो नाले में पानी फैल के निकलना चाहिए, वो फैल के नहीं निकल रहा, पीछे वाले ने पत्थर लगा के ठेल लगा के रखा है, तो पानी हमारे घर साइड दीवार तक भी निकलता है, मकान गिरने का खतरा है। इसके ये चांदमारी लाल माटी से दो वार्ड। क्या चाहते हैं? सफाई कराने की, पत्थर हटाने की। नाले के जो लेंटर पड़ा हुआ है नाले के ऊपर, उस लेंटर के वो मैन होल बनाने के लिए इसको तोड़ दिया। अब लेंटर तोड़ने के बाद उसमें जो जाली लगी है लेंटर की, वो जो भी क्यों लगी, उस जाली से बदबू कैसे अंदर जाएगा? ऊपर जिम लगाना चाहिए, वो फोल्डेबल जाली लगाना चाहिए, वो नहीं लगाई, उसको खतरा है। अब राडे निकली है, परेशानी आ रही है यहाँ से। हाँ, पिछले महीने भी एप्लीकेशन दी थी, अभी रिमाइंडर दिया है। क्या बोले यहाँ पर? दे जाओ एप्लीकेशन, देखते हैं। कहाँ से आया होगी अपने? कृपाल चौक, प्रेम नगर, मदन महल, जबलपुर। देखिए, हमारे पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने कच्ची लेटरिन जो है हमारी दीवार के साथ पाइप लगा के छोड़ा जा रहा है, जबकि उनका वो क्षेत्र नहीं है, और हमारे हिसाब से तो वो उनको टैंक में पहले पाइप डालना चाहिए फिर छोड़ना चाहिए, जो कि सीधे छोड़े जा रहे हैं। तो हम पिछली बार आए थे तो यहाँ हड़ताल थी तो बंद था, अभी आया 12:30 हो गया है, जो अभी तक अधिकारी जी नहीं आए हैं। कहाँ से आए? मैम, हाथीताल कॉलोनी से आए हैं, जबलपुर। सभी की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त विद्यानंद वाजपेयी ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। संस्कार धानी में बजरंग बली के अति प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन बजरंग बली के भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भक्त बजरंग बली के चरणों में अर्जी लगाते हैं। शहर में स्थापित बजरंग बली के प्राचीन मंदिरों में शुमार चरहाई फूल मंडी स्थित दक्षिणामुखी हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर शामिल है। ये पीपल के पेड़ के नीचे बजरंग बली यहाँ विराजमान है। मंदिर में शनिदेव और अन्य देवी देवताओं की स्थापना भी की गई है। शहर में बजरंगबली के अति प्राचीन मंदिरों में पुरानी चरहाई फूल मंडी में स्थित दक्षिणमुखी हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर भी शामिल है। मंदिर में दक्षिणमुखी हनुमान जी की मनोहरी प्रतिमा पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित है। हनुमान जी के भक्त प्रतिदिन विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को बजरंगबली के दर्शन और पूजन करने मंदिर में आते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित कमलेश पांडे ने बताया कि मंदिर 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के अलावा शनिदेव और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। ऐसे में श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये स्थान चरहाई पुरानी फूल मंडी है। ये अति प्राचीन मंदिर है। विगत वर्षों से यहाँ पे शनि भगवान की स्थापना है। पीपल वृक्ष के नीचे हर व्यक्ति, हर भक्त आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी श्रद्धा भाव से लोग बाग आते हैं और पूजा करते हैं।
बजरंगबली की प्रतिमा कितनी प्राचीन है और क्या है? ये तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। सयाने बुजुर्ग बताते चले आए कि ये स्थान अति प्राचीन है। अब इसका हम लोग जो सुने वही हम आप सबको बता रहे हैं। किस चीज के नीचे स्थापित है? ये पीपल के वृक्ष के नीचे दक्षिण मुखी विराजमान है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें इस मंदिर में आते कई दशक बीत गए हैं। कुछ भक्त नियमित रूप से भगवान के दर्शन और पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मंदिर में दर्शन और पूजन करने भक्तों का तांता लगा रहता है। मतलब 50 वर्षों से 55 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और हमारे जो सारे कार्य सिद्ध हुए यही ईश्वर की कृपा है। जो भी यहाँ आया है वो निराश होकर नहीं गया। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ मैं आते हुए 30 से 35 साल हो गया। तो किस तरह मतलब बजरंगबली मनोकामना है? यहाँ पर जो भी आप मांगेंगे आपको सब मनोकामना पूरी होती है। कैसा लगता है मंगलवार के दिन आते? मैं तो रोज आता हूँ, मंगलवार को नहीं, मैं डेली आता हूँ। मेरी दिनचर्या यहीं से चालू होती और इसी के बाद लौटती यहीं खत्म होती है। हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे दक्षिण मुखी हनुमान विराजमान हैं। भक्तों की मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन और पूजन करने से उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बरगी विधानसभा की पडवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया सिलवा गांव की बेटियों के विवाह में रेलवे क्रॉसिंग बाधा बन रही है। दरअसल प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे यानी 13 घंटे रेलवे फाटक बंद रहता है। ऐसे में गांव में जाने वाला एकमात्र मार्ग भी बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरगी विधानसभा के पडवा ग्राम पंचायत के सिलुआ और जमुनिया के बीच पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर रेल फाटक बंद रहने से गांव के लोगों को आवागमन के लिए भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों की माने तो उनके ग्राम को पहुंचने के लिए एक ही पहुंच मार्ग है, जिस पर रेलवे क्रॉसिंग है। प्रतिदिन शाम 6 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक रेल फाटक बंद रहता है। ऐसे में गाँव में वाहनों से आवाजाही बंद हो जाती है और ग्रामीणों को बेहद मुश्किलें उठानी पड़ती है। हमारे यहाँ रेलवे फाटक पड़ता है बीच में, जो शाम 6 से सुबह 7 के आसपास बंद हो जाता है। सुबह मतलब पूरा 12 घंटे बंद रहता है। तो हमारे यहाँ शादियों की बड़ी समस्या, बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हम लोग गांव से, कहीं यहाँ जाके कहीं रिश्तेदारी में कहीं कुछ करके मतलब शादी वो लोग करते हैं। और इतना जबकि हमारा गांव कल्चुरी काल का कुबेर मंदिर है, हमारे गाँव में विश्व स्तरीय मंदिर है, सुनते हैं वो दूसरा मंदिर है विश्व का, भारत देश का अपना। उसके बाद भी वहाँ मतलब दर्शालु आते हैं, बहुत जन देखने आते हैं, वो फंस जाते हैं बेचारे सभी लोग। ना तो समय है आने का ना जाने का, कई घटनाएं हो चुकी हैं। बच्चों को हम लोग स्कूल ले जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि आप मतलब फाटक क्रॉस ना करें, रेलवे बंद फाटक बंद होने के बाद भी, फिर भी हम लोग छः मतलब दो दो तीन तीन साल के बच्चों को पैदल निकालते हैं सुबह 6 बजे। गांव में निकलने का एकमात्र रास्ता है रेलवे फाटक, वो बंद हो जाने से पूरा गाँव रात में निकलने के लिए परेशान हो जाता है, जिसमें कोई गर्भवती महिलाएँ हैं, कोई बीमार बुजुर्ग हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जाना आना होता है, किसानों के लिए अपनी कृषि उपज सब्जियां ले जाना होता है, वो सब प्रभावित होती हैं। हम लोगों को रेट नहीं मिल पाते कभी। हम लोगों ने अनेकों बार यहां आके DRM ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं, विधायक सांसद जी से भी कई बार निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण जनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंडल रेल प्रबंधक को इस समस्या से अवगत कराते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने और क्रॉसिंग पर 24 घंटे गेटमैन की तैनाती की मांग की है। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामवासियों ने मांग पूरी ना होने की दशा में आंदोलन करने, यहां तक कि आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। सिंधी समाज की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महापर्व चालीसा व्रत महोत्सव भरतीपुर स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में पूरे भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में जल ज्योति का पूजन अर्चन और विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। सिंधी समाज के सबसे बड़े पर्व चालीसा व्रत महोत्सव की धूम मची हुई है। आस्था, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सिंधी समुदाय इस पर्व को मना रहा है। भरतीपुर स्थित जय झूलेलाल मंदिर में जल ज्योति का पूजन अर्चन किया जा रहा है, तो वहीं संत जनों की अगुवाई में भजन कीर्तन, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। Oh, Lord, 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 L
समाज के आस्था के पर्व चालीसा महोत्सव के 26वें दिन आज भरतीपुर स्थित झूलेलाल मंदिर में जल ज्योति की पूजा, अखा पूजा, पल्लव प्रार्थना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परम सिद्धे स्वामी अशोकानंद जी द्वारा प्रवचन एवं स्वामी प्रदीप शर्मा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें जिन व्रतधारियों ने 40 दिन व्रत रखा है वे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ नियमित आके पूजन कर रहे हैं। 40वां व्रत महोत्सव का समापन 22 अगस्त को होगा। इस अवसर पर भरतीपुर स्थित जय झूलेलाल मंदिर से विशाल मटकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जबलपुर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर देश की राजनीति में संस्कारधानी का नाम रोशन करने वाले स्वर्गीय शरद यादव की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग उठ रही है। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने महापौर को पत्र सौंपकर प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की है। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंप कर मांग की है कि शरद यादव की प्रतिमा को शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित कराया जाए, ताकि नई पीढ़ी को शरद यादव के जीवन से प्रेरणा प्राप्त हो सके। आज हम सब लोग ओबीसी समाज के लोग, एसएससी समाज के लोग, जबलपुर के मसीहा और जनहितैषी नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद यादव जी को की याद में आज हम लोग सब एकत्रित हुए और हम लोग चाह रहे हैं कि जबलपुर में उनकी मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि उन्होंने ओबीसी के लिए जो काम किया, जो मंडल कमीशन की बात की, और आज तक हमारा मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया। और हम शरद यादव के पदचिन्हों पर लड़ने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं माननीय महापौर जी से कि वो शरद यादव की जबलपुर के किसी भी कोने में उनकी प्रतिमा स्थापित करें। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि शरद यादव की राजनीतिक यात्रा जबलपुर से प्रारंभ हुई। उन्होंने देश और दुनिया में संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। जबलपुर में उनके द्वारा कराए गए कार्य भुलाए नहीं जा सकते। गोराबाजार थाना क्षेत्र 2TTR के समीप बीती रात एक ऑटो पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार महिला घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोराबाजार थाना क्षेत्र 2TTR के समीप बीती रात एक सवारी ऑटो पलट गया। हादसे के दौरान ऑटो में बिलहरी निवासी सुनीता स्वामी और उनके पति वेलु स्वामी सवार थे। हादसे में सुनीता स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने महिला की मृत होने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। सुनीता और सुनीला स्वामी जो है दिनांक 7-8 को रात्रि 8:40 बजे यहाँ 2TTR के सामने जो है डिवाइडर से ऑटो पलट गया था, जिसमें बैठी थी और इनके हस्बैंड भी बैठे थे, और इनकी जो है सिर में चोट आई थी, जिसको जो है मेडिकल कॉलेज इनके पति द्वारा लाया गया था, जो रात्रि 10:35 बजे अबाउट वो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया था, जिसकी सौ जो है मर्चुरी में जो है मेडिकल कॉलेज में रख। बताया जाता है कि महिला और उनके पति ऑटो से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें विदिशा मेडिकल में पढ़ रही अपनी बेटी से मिलने ट्रेन से विदिशा जाना था, लेकिन रास्ते में ही वे हादसे का शिकार हो गए। हम लोग जा रहे थे विदिशा मेडिकल कॉलेज बच्ची से मिलने के लिए। रिजर्वेशन था हमारा, तो 2TTR गेट और MH के बीच में ऑटो पलट गया था, उसके द्वारा पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी का नाम सुनीता स्वामी। पुलिस ने महिला की मौत के बाद मामले में मर्ग कायम किया है और हादसे की जांच करने की बात कही है। गढ़ा थाना क्षेत्र प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट में निवास करने वाले अधिवक्ता के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में अधिवक्ता का पैर टूट गया है। इस मामले की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई है। पानी भरने के विवाद को लेकर प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के नजदीक त्रिवेणी बिहार अपार्टमेंट में रहने वाले अधिवक्ता मयूर गुलाटी के साथ पड़ोसियों ने जमकर मारपीट की। इस घटना में अधिवक्ता का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अधिवक्ता ने इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई और मारपीट करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। ये मैं प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास आदर्श कन्या स्कूल के ठीक सामने त्रिवेणी विहार अपार्टमेंट है, उसमें निवास करता हूँ। वहाँ पे शाम को मैं कोर्ट से लौट के पानी अपना भर रहा था, तभी वहाँ पे अभिषेक श्रीवास्तव सिगोतिया और अंशुल कोहली वहाँ पे आए, जिन्होंने पहले तो मेरे को धमकी दी कि तू पानी नहीं भरेगा। मैंने कहा मैं क्यों नहीं पानी भरूँगा, कहते तू ज़्यादा अपनी वकालत मत झाड़। और जैसे ही मैंने कहा आप अपने यानी अच्छे से बात करिए,
तो अभिषेक श्रीवास्तव ने आके मेरे को पहले एक घूसा मारा यहाँ आँख में, और उसके बाद मेरे को सिगोतिया जी ने और अंशुल कोहली ने पीछे से पकड़ा, उसके बाद फिर से मेरे को अभिषेक श्रीवास्तव ने मारा और तीनों ने धक्का दे के गिराया, और धक्का देने के बाद वहाँ पे एक चीप का टुकड़ा था तो उस पे मेरा पैर उस साइड करके उन लोगों ने पैरों से और उस पे मेरे पैर पे अपना पैर मारा जिससे कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, और ये पूरी घटनाक्रम मेरे घर में लगे हुए CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मयूर गुलाटी नाम के वकील त्रिवेणी बिहार अपार्टमेंट में रहते हैं, उनने रिपोर्ट लिखाई है कि उन्हीं उसी अपार्टमेंट में रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव और उनके साथी लोगों ने पानी भरने की बात पर से मारपीट की है और गाली गुफ्तार किया है। जो मयूर गुलाटी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस ने अधिवक्ता का मुलायजा कराने के बाद मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा भवन का छज्जा रात के समय भरभरा कर गिर गया। कंप्यूटर सहित कुछ सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह रही कि हादसा रात के समय हुआ, यदि दिन में कार्यालय के समय पर होता तो कई कर्मचारी घायल हो जाते। आनंद फानंद में ऑफिस को दूसरे भवन में शिफ्ट कराया गया। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा कितने जर्जर भवन में संचालित हो रही है, इसका अंदाजा सिर्फ ये देखकर लगाया जा सकता है कि रात के समय भवन की छत भरभराकर गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात के समय हुआ जब कार्यालय बंद था, यदि दिन के समय हादसा होता तो घटना विकट भी हो सकती थी। फॉल्स सीलिंग तोड़ते हुए खपरे टेबलों पर एवं कंप्यूटरों पर गिरे जिससे कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गया। कार्यालय खुलते ही जब अधिकारियों को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने आनंद फानंद में दूसरे भवन में शिफ्ट कराया। अभी हमारा जो विभाग है नगर निगम कैंपस के अंदर जो अतिक्रमण विभाग है जिसकी जो बिल्डिंग है पुरानी थी, जिसमें छज्जा उसका उसकी छत है वो पुरानी हो चुकी थी। कल रात को जानकारी मिली मुझे शाम को लगभग 10 बजे के आसपास, वहाँ के कर्मचारी ने बताया जो हमारे आसपास घूमते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गिरने की आवाज़ आई। आज हमने सुबह देखा तो अंदर का जो छत का जो कुछ हिस्सा है गिर चुका था, और पहले से भी हमने इसके लिए रिपेयर के लिए तो कहा है, तो हालांकि रिपेयरिंग का तो काम शुरू हो गया, लेकिन चूंकि वर्तमान में वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं है, बारिश को देखते हुए अभी तत्काल में शिफ्ट किया जाना था कहीं ना कहीं, तो अभी महिला उत्कर्ष मंडल समिति जो राइट टाउन में भवन है उसके बाजू में ऐसा था, एक नया भवन बना हुआ है, यहाँ पर हमें अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया। अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भवन जर्जर है, इस बात की सूचना कई बार आला अफसरों को दी जा चुकी है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। हनुमानताल थाना क्षेत्र नूरानी मस्जिद के पास पान दुकान का संचालक करने वाले एक युवक को 3 बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से भाग निकले। घायल पान दुकान संचालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। घायल के परिजनों ने बदमाशों पर दुकान से रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानताल थाना क्षेत्र नूरानी मस्जिद के पास पान की दुकान चलाने वाले एक युवक मोहम्मद जाहिद पर बीती रात 3 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में मोहम्मद जाहिद की पीठ पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। उसे परिजन घायल हालत में हनुमानताल थाने लेकर पहुंचे, जहां से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित जाहिद के भाई ने बताया कि उस पर क्षेत्र के 3 बदमाशों ने हमला किया है और दुकान से रुपये भी लूट लिए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। हमारा छोटा भाई दुकान चला रहा था और वो खाना खाने के लिए उठने वाला था, तो अब्बा उसको 45,000 रुपये दे के गए थे कि हम आ रहे हैं तो दुकान से तुम उठना तो सामान ले आना। थोड़ी देर बाद ही अब्बा घर गए हैं खाना खा के वापस आने के लिए, तो सलमान, समीर मुंडा और गुल्लू और उसके साथ में जो भी लड़के रहे दारू पी के, छोटे वाले से गासी लिए 40 वाली और उसको गाली रखने लगे कि बोला तेरा भाई बहुत बड़ा जूझा है ऐसा करके। तो उसने बोला कि भाई हमारे भाई से समझ, हम इधर अपना काम कर रहे हैं, तो उसको चाकू निकाल के दुकान से मारे हैं। वो हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था बहुत पहले, वही रंजिश निकाल रहा, वो समीर मुंडा वो मुलाजे के लिए विक्टोरिया में जो है पीठ में उसके किसी धारदार चीज़ से जो है चोट लगी हुई है,
प्रथम दृष्टया तो साधारण चोट प्रतीत हो रही है, फिर भी इलाज के लिए हमको एक दो दिन के लिए एडमिट कराया गया है। और कारण उन्होंने ये बताया कि समीर मुंडा और गुल्लू में ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और आए दिन इनका काम मारपीट करना होता है। और आज भी पुरानी बुराई को लेके आए और उनसे कहने लगे कि यहाँ रहना है तो आपको हफ्ता वसूली देना पड़ेगा 1000 रुपये, और उसमें मना किया इसने तो उसके साथ फिर मारपीट इसने कर दी है। प्रकरण में जो है IPC की धाराओं में जो है 294, 324, 327 34 के तहत आरोपी समीर मुंडा और गुल्लू इनके विरुद्ध जो है अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें अच्छी कार्रवाई करके और शीघ्र ही गिरफ्तार की। पुलिस का कहना है कि मामले में FIR दर्ज की गई है और हमला करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित के परिवार ने लूट के जो आरोप लगाए हैं उसकी जाँच भी की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।